मार ही डालोगे। आसमान अपनी छत, बिछोना ये जमीन हो जाए। आओ कुछ ऐसे मिल जाए कि दो से तीन हो जाए। हो जाओ दो से तीन। उठ जाओ दोस्तों, भी कुछ बोलो। मोहतरमा कौन है आप? भूल गए क्या? हम बेगम हैं, बेगम लुच्ची। हम आए थे ना दिल्ली आपसे मिलने के लिए शो में। तो आप यहाँ तक पहुँच गए दिल्ली से? अरे लोग तो मोहब्बत में जेल तक जाते हैं, हम तो सिर्फ यहाँ तक आए हैं। मैं अब कहाँ जाऊँगा? बैठिए ना। टाइट क्लोज में क्या लगते हैं आप खान साहब? खान साहब को टाइट क्लोज में ना देख। बच्चा है। कहाँ थे आप खान साहब, बताइए ना कहाँ थे आप? जमाने के बाद आए। आपके इंतजार में हम दिया जलाकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। मुंह देख कर लग रहा है आपका दिया बुझ चुका काफी साल पहले। खामोश, हम सिर्फ ऊपर से बुझे हैं। ये मोहब्बत के दो फूंक मार दे, हम फिर से जल उठेंगे। मारिए ना। और देखो क्या आप मोहब्बत के चक्कर में पड़ी बेगम साहब, भगवान ने इतने बड़े बड़े हाथ दिए, जाके नान बनाइए, गरीबों में बांटिए, आपको पुण्य लगेगा, जाइए। गरीबों को नान बांटने का काम हमारे नवाब साहब करते हैं। आप मेरे को पता कौन सा गरीबों का काम करते हैं? पाजी वो पिज्जा डिलीवर करते हैं साइकिल पे, और 30 मिनट में पहुंचाने के चक्कर में दो बार मरते मरते बचे इनके नवाब साहब। दरअसल क्या है ना, हमारे नवाब साहब है ना, उनकी बहुत बड़ी रियासत है। बहुत बड़ी रियासत भाई, तीन लोग बैठ जाए ना रियासत खत्म हो जाती है। साइकिल का रियासत बोलते हैं आप, शर्म नहीं आती? उस दिन ये अपनी रियासत पे जा रहे थे, नाले में गिरते गिरते बचे ये। खामोश करो, गुस्ताख कहीं के। मेरा नाम गुस्ताख नहीं, मेरा नाम कपिल है। लाहौल वाला कुवत। ये कहाँ पड़ता है? हम आपको गाली दे रहे हैं गुस्ताख, और खबरदार आयशाए भाई कुछ भी कहा तो सरोटे से हम आपको काट देंगे। किससे? सरोटे से। सरोटे के भरोटे मत रहो आप। भरोटा नहीं, भरोसा होता है। तो फ्लो फ्लो में निकल गया तो फिर क्या हो गया? अपने फ्लो को कायम कर में रखो, समझे? बड़े आए हो सरोटा परोटा करोटा। खान साहब, हम आपके घर गए थे। कौन से कहाँ? अच्छा। हमारे उसने के चक्कर में घर का पता भी भूल गए। हम आपके घर गए थे। माँ, क्या कुत्ता पाल रखा है इन्होंने। सच में? आप किसको कुत्ता कह रहे हैं? कुत्ते को। अच्छा, ओके। 3 दिन पैदल चल के हम आपके घर तक पहुंचे थे। कुत्ते की वजह से? नहीं, कुत्ते की वजह से 2 घंटे में घर वापस आ गए। अरे भाई वाह वाह वाह, आया वर्ष आया वर्ष। और खान साहब, अरे बेगम हटिए, काम घुटने ऊपर से मिलो, ऊपर से मिलो खान साहब। अरे सर कैसे? मुरीद है हम आपके। सर सर सर, मुरीद है हम आपके। वाह सर, हम तो खुदा से अरफास करेंगे कि भाई हम भी किसी दिन आपकी तरह सुर लगा सकें। सुर की बात तो रहने दीजिए नवाब साहब, इस उम्र पे पान पे कत्ता लगाया नहीं जाता आपसे, पड़े हैं सुर लगाने के लिए। खैर इन्हें छोड़िए, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे किसी दिन खान साहब आप हमारी हवेली पे तशरीफ लाएं। आपकी छोटी सी हवेली खान साहब बुला रहे हैं, उसमें आपकी तशरीफ नहीं पूरी आती। उनको तशरीफ दे। आपको पता है ये हवेली में घुस जाते हैं, इनकी तशरीफ बाहर भीगती रहती पानी में। क्या क्या बोल रहे हैं आप? हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि भाई हमें चाचीकी का बड़ा शौक है। चाचीकी नहीं, मौसीकी बोलते हैं। लेकिन हमारी मौसी है ही नहीं तो हम मौसीकी क्यों बोलें? हमारी एक चाची है जो बखूबी बड़ा अच्छा गाती है, तो हमें चाचीकी का ही शौक होगा ना। खैर हम आपको बताएं कि भाई एक जो है एक हुनर है हमारे अंदर जो हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। सिर्फ हुनर नहीं, इनके अंदर प्रॉपर एक बैल है। ये दिल बचा नहीं है। कैसा लगा आपको? बाखुदा, आपने तो जो किया आपको तो जेल होनी चाहिए। सच में खान साहब के सामने आपने हमें जलील कर दिया। जनाब कपूर शर्मा जी, आप इन्हें सजा देंगे या मैं खुद इन्हें घर ले जाकर सुझाऊं? कितना सुझाएंगे और आप? हम चलते हैं जी। चल ठीक है, छूना मत। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मौका मिला हमें, बस शुक्रिया शुक्रिया, चलते हैं।
तो हमारे प्रोग्राम, विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है बात की खाल, सब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आज के मुद्दे पर हम लोग विशेष चर्चा कर रहे हैं, हमारी जनता जनार्दन मिस्टर अनुराग कश्यप से कुछ पूछना चाहती है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब आपकी फिल्म आने वाली होती है, सेंसर बोर्ड अपने मुलाजिमों की छुट्टियां कैंसिल कर देता है कि अनुराग की फिल्म आ रही है, सारे बैठ के देखनी पड़ेगी। ये अफवाह है या सच है? मुझे तो लगता है सच है। ये सच है। दोस्तों, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। एक गरीब आदमी 5-star होटल में बैठ के चाय भी नहीं पी सकता, 1000 रुपए की चाय आती है। तो आज महंगाई के मुद्दे पे विशेष बातचीत करने के लिए हम बुलाना चाहते हैं बेरोजगार डॉक्टर मशहूर गुलाटी, प्लीज। हाय डॉक्टर मशहूर गुलाटी, ठीक है सर? हाय, I like your films. You make good cinema. Yeah. Thank you. And मुझे ना आपकी फिल्मों में dim light जब रखते ना किफायती होती है फिल्में, मुझे अच्छी लगती है। And because your films are dark, इसलिए विटामिन डी है आपके लिए from a doctor number. I have a question. If you don't mind, ये उड़ता पंजाब जो फिल्म है, ये liquid फिल्म है क्या? नहीं, leak हो गई ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। ही तो नहीं लिक्विड, लेकिन आई थिंक वो इतना टाइम तक फंसी रही कि वो मेल्ट हो गई थी थोड़ी सी। ओके, आप ज्यादा फ्रैंक ना होए हमारे मेहमानों के साथ। तो बैठिए। बैठ रहे हैं यार, ऐसा क्या इज्जत से बात कर रहे हो? और इनके साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा लुच्चो में लुच्ची, द मोस्ट लुच्ची, लुच्ची बेगम। मुद्दा यह है कि फिल्मों की टिकट से ज्यादा महंगे फिल्मों में बिकने वाले पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक हो गए हैं। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं एक खास मेहमान जो कि सिनेमा घर में पॉपकॉर्न बेचते हैं, उनको बुलाना चाहूंगा, मिस्टर नो चोपड़ा। नमस्ते, नमस्ते। फटाफट नमस्ते वस्ते निकल, इधर बैठिए। चलिए 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 चलिए, इतना टाइम नहीं है। कपिल, उधर बैठिए। ये नाम कैसा हुआ भी, नौ चोपड़ा? मेरा नाम नौ चोपड़ा है। नहीं नहीं, आप नौ चोपड़ो। एक नाइस नाइस। मैं यश चोपड़ा का ऑपोजिट है, मतलब वो ऐसा रोमांस के बादशाह है, मैं अभी तक सिंगल है। तो आपका कहना है कि आप सिंगल हैं, ये इनका बड़प्पन है, इन्होंने अपने आप को सिंगल कहा, हालांकि अपने आप को मल्टीप्लेक्स भी बोल सकते थे। ये चुटकुला खराब हो सकता है लेकिन इन पे बिल्कुल ठीक बैठता है। मैं तो बातचीत शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा राजा विक्रमादित्य जी से, आपका महल कहाँ है? अगर महल नहीं है तो राजाओं जैसा नाम क्यों है? तो विक्रमादित्य राजा साहब का कहना है कि उनका कोई महल नहीं है। जो बोल रहे हैं भाई, सुन रहे हैं? चुप कर। हमें हमेशा ऐसा लगता था कि ये कहीं के नवाब है, आज आपने हमारा दिल तोड़ दिया। खैर विक्रमादित्य जी, ये बताइए, आप सिर्फ फिल्म प्रोड्यूस करते रहेंगे या दो कप कॉफी भी प्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारे साथ? अपनी उम्र को देखिए, कॉफी नहीं माफी देना चाहेंगे आपको। वो नहीं करना चाहेंगे तो चलिए उड़ता पंजाबी दिखाते कल। ज्यादा ही उड़ रही हैं आप। आप होते कौन है हम पर नीलानी रखने वाले? नीलानी नहीं होता, निगरानी होता है। तो आजकल पहला नीलानी होता है ना। आजकल सारी निगरानी पहला नीलानी लगते हैं। तशरीफ रखिए। मैंने तो रखी हुई है। इनके मुंह पर रखिए। मैं आप सबके मुंह पे टीवी फेंक देना है इधर।
बेगम आप बहुत उड़ रही हैं, आपकी बेगम में से मैंने सारा गम उड़ा देना, लोग बेबे कह के बुलाएंगे, फिर अच्छा लगेगा आपको। भाई मजा आ गया, क्या बात की, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये हमारे साथ बहस करना है कि आपस में बहस करना है? तो विकास जी आप बताइए, करोड़ों रुपया लगता कहाँ है? सर मारा तो करोड़ों लगता नहीं, हम मेरी पिक्चर में तो मैंने कंगना को भी अकेले हनीमून पे भेजा था कि दो के पैसे नहीं थे। अकेली कहाँ थी, आप खुद उनके साथ गए थे। जो भी कहिए, बट हनीमून का मजा अकेले में ही है। जो भी है, आपकी फिल्म जो थी क्वीन बड़ी शानदार थी, लेकिन शानदार क्वीन नहीं हो सकी। वैसे सर इसने एडिट की थी सर। नहीं बैठे मेरा सारे अच्छे, मैंने बड़े अच्छे सीन शूट किए थे, इसने एडिटिंग में चीटिंग करी, इसकी वेलवेट बनी थी, इसने बोला कि मेरी लगी मैं तेरी भी लगा दूंगा। देखिए हम यहाँ मजा लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे विशेष मुद्दे पर बातचीत करने आए हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हाँ मुझे पूछिए, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि फिल्म का टिकट उतने महंगे नहीं है जितने पॉपकॉर्न महंगे हैं, आखिर क्यों? बड़ी तहजीब से पूछा आपने। कपिल आपको आपको पता है कि पॉपकॉर्न और समोसा का रेट ज्यादा क्यों है? जी क्योंकि अनुराग जब फिल्म बनाते हैं तो इतनी कट जाती है, सिर्फ इंटरवल रहता है। तो इस वजह से इनका ये कहना है, पिक्चर जैसा भी हो पिक्चर का टिकट भी महंगा होता है, उसके बाद पिक्चर देखो अभी कभी अच्छा कभी बुरा कुछ भी हो सकता है, पॉपकॉर्न हमेशा अच्छा होता है। पॉपकॉर्न का क्वालिटी कभी नीचे नहीं जाता है। बस कर, पॉपकॉर्न बेचे जा रहे हैं क्या अपने यहाँ पे? चुप कर, यहाँ इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं, पॉपकॉर्न नहीं बेचे जा रहे। तू चुप, कितना मस्त बोल रहा है गोलू, तू बोल। पहले जैसा टाइम नहीं रहा कि 10 रुपए का पॉपकॉर्न। दो लोगों की डिबेट हो रही है, आप बीच में क्यों अटकते हैं? अक्सर ये कहा गया है कि जो बोता है वही काटता है, लेकिन आपके साथ उल्टा है, फिल्म आप बनाते हैं काटता कोई और है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो हम वो जो शोले का डायलॉग है ना गब्बर का जी, जो ठाकुर को बोलता है काटने वाले को, हम ये कहना चाहेंगे ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। देखिए आपकी फिल्में महंगी है चाहे कितनी भी हो, बट मैं आई एम ए फैन, एज अ डॉक्टर आई लव इट। फैन इसलिए इनको गाली सुनने का बड़ा शौक है। मरीज इन्हें गाली सुनाकर चले जाते हैं। अभी के अभी बैठा बैठा ना अपने अपेंडिक्स से गाली निकालूंगा तेरे लिए मैं अभी। कल तो बकवास कर दिया। सुना के तो देखिए, हम भी आपको सुझा ना दे तो कहना। काम से लुच्ची नहीं है हम, ऐसी जगह मुक्का मारूंगी कि तुम रोओगे कम शर्माओगे ज्यादा। मैंने थूक फेंक देनी है। अच्छा इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं तो घटिया बात करने का क्या जरूरत है तुमको? जब से आए तब से घटिया ही बात कर रहा है, घटिया इंसान। मैंने तेरे मुंह पे सच में थूक फेंक देनी है, मैंने नहीं देखना। लेडी के ऊपर हाथ मैंने ऐसे डॉक्टर मैंने कभी जैसा कि हमेशा की तरह हमारे गेस्ट ने हमारी डिबेट खराब कर दी है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।